होम स्टे था लारी विलेज में। हम यहाँ से निकल रहे हैं, सभी रेडी हो गए हैं। रात को कुछ फ्रेंड्स ने तो डायमोक्स ले ली थी, लेकिन मैंने नहीं ली। सुबह उठा तो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ख़राब होने की वजह से मैंने फिर खूब पानी पिया। अब मुझे वोमिट आई है और मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, और हेलमेट डालते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सिर थोड़ा सा भारी है, लेकिन ठीक है, चलना तो है ही, चलेंगे और आपको आगे का हाल दिखाएंगे। बस रेडी हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, टाबू मोनेस्ट्री जाएंगे, फिर वहीं पे ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। गाइस, लारी गांव हमने क्रॉस कर लिया है और आपको बता नहीं सकता मैं कितना सुंदर लग रहा है ऊपर, बता ही नहीं सकता मैं आपको, ये कैमरा तो कैप्चर कर ही नहीं सकता। ये जवाहर नवोदय विद्यालय लरी, और जो सिर भारी हो रहा था वो नज़ारे को देख के ठीक हो गया बिल्कुल। वो देखिए दूर हमारे मित्र जा रहे हैं बाइक पे, मैं थोड़ा पीछे रह गया था। अनपैरेलल सुंदरता है, अनपैरेलल। गाइस, ताबो विलेज में मैं एंटर करने वाला हूँ, वो है ताबो विलेज सामने। मोबाइल के जो टावर भी दिख रहे हैं, और ये ग्रीन ग्रीन शेड्स हैं, जो ये साइड के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन जगह है। ये एप्पल के ही पेड़ हैं सारे। ताबो में अब मोनेस्ट्री हम विजिट करेंगे, काजा 46, किब्बर 66, रोहतांग भी 196 दिखा रहा है। ये रही मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री की एंट्री। यहाँ तो अच्छा रश है, थोड़ी सी बड़ी जगह है लरी, जहाँ हम रुके थे वहाँ से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ताबो, डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। पानी का तो इशू यहाँ पे भी है, हर जगह है जल जीवन मिशन, जल शक्ति डिवीज़न। ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। वो रही यहाँ की सुंदर मोनेस्ट्री। सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, बहुत सुंदर है एज यूजल, सभी मोनेस्ट्रीज की तरह मेंटेन्ड है। इसके चारों तरफ देखिए, ये एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, पीछे भी वहाँ पे कुछ एरिया है। हमारे फ्रेंड्स फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। ताबो से हम निकल गए हैं, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया मोनेस्ट्री के यहाँ पीछे ही। खाना तो लगभग अब तक अच्छा ही मिलता आ रहा है। जैसा कि आपको बताया, मुझे एमएस हो गया था, वोमिट करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हूँ, सिर थोड़ा सा भारी है, लेकिन कोई बात नहीं। हल्का सा ब्रेड ऑमलेट लिया, चाय ली, थोड़ा सा ओवर एसपी के निकल चुका हूँ, थोड़ा ठीक फील हो रहा है। मे बी घंटे दो में काफ़ी कुछ ठीक हो जाए। एक्चुअल में हम फर्स्ट डे जहाँ रुके थे झाखड़ी में, उसकी भी हाइट इतनी नहीं थी। सेकेंड डे हम सीधा ताबो में आ गए, इसलिए थोड़ा रात को अगर डायमोक्स ले लेता तो ठीक रहता, तभी तबीयत ख़राब होगी। ताबो गांव हमने क्रॉस कर लिया है, ये देखो ताबो ब्रिज 2008 में बना था, मैं भी स्पीति रिवर के ऊपर है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। ताबो में आपको बहुत सारे होमस्टे मिल जाएंगे, खाने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं, थोड़ा क्राउड भी है वहाँ पे, तो आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही कहीं नो मैंस लैंड पे आ गए हो। वो देखिए आगे दूर सड़क जा रही है, अति सुंदर। देखो मैं तो प्रेफर करूँगा हर एक को एक बार जरूर आना चाहिए, चाहे कैसे ही आए। इट्स नॉट माई रिकमेंडेशन कि आप बाइक पे ही आओ या अपनी गाड़ी पे ही आओ, बट बाइक पे तो यूँ है, मैं राइट भी देखूँगा, लेफ्ट भी देखूँगा, ऊपर भी देख सकता हूँ, और जो हवा लगती है वो पता चलता है हम कहाँ पे हैं। उस नेचर को फील करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। अगेन बायसनेस तो रहेगी क्योंकि मैं खुद बाइक पे आया हूँ। ये देखिए नीचे नदी, कितना साफ पानी है।
ये देखिए कैसी कैसी फॉर्मेशन आ रही हैं। अभी काजा नहीं पहुंचे हम, और मैं आपको देखो सभी फेमस फेमस जगह तो दिखाते हैं, किबर कौमी की मोनेस्ट्री, ये सिर्फ मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ये देखिए नज़ारे, दोनों भाई पहले ही खड़े थे। क्या हो रहा है भैया? ये सर्वे हो रहा है, सर्वे 4 लेन का। इसको 4 लेन? अरे क्यों बनाते हो यार, अच्छा ऐसे ही फिर आना कम कर देंगे हम। माने गांव के कट से हम थोड़ा सा आगे आए थे, सर्वे हो रहा है 4 लेन के लिए। ये धनकर को जा रहा है ऊपर, धनकर मोनेस्ट्री, धनकर गोम्पा, और हम जा रहे हैं इधर काजा की तरफ। एक्चुअली मैं तो हम मूद विलेज जाएंगे, काजा 24 दिखा रहा है इधर से, धनकर मोनेस्ट्री बहुत सुंदर मोनेस्ट्री बताते हैं। जाते हैं तो काजा जाता है, लेकिन पिन वैली के लिए हम लेफ्ट जाएंगे इस पुल के ऊपर से। ये देखिए लिखा भी हुआ है हम मुदगांव जाएंगे 34 किलोमीटर। गौरव सर हमारा पहले ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार इकट्ठा हो रहे हैं, पीछे दो भाई और रहते हैं, उनके आने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से एक ग्रुप आया था, उसने कहा था हमें 2 घंटे लगे मुद से आने में, और हमारी टाइम हो चुका है लगभग 12:20, और अगर अब हम गए तो लगभग 2:30 बजे पहुँचेंगे, और वहाँ पर कुछ करेंगे भी और रात को लेट हो जाएंगे। तो हमने आज डिसाइड किया हम काजा ही जाते हैं, और कल हम मुद विलेज करेंगे। वेलकम टू ग्राम पंचायत काजा। वैसे तो ये गांव ही है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर सेंटर है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है और सारी फैसिलिटीज़ भी लगभग मिल जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी है, पेट्रोल पंप भी है, एक मेजर सेंटर होने की वजह से यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। यहीं से सभी लोग इधर उधर वेंचर करते हैं, हम भी यहाँ इसीलिए आ गए। अगर हम मूद विलेज जाते तो हम बहुत लेट हो जाते और एंजॉय भी ना कर पाते। अभी हम थोड़ी देर 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। पहाड़ों में वैसे भी अंधेरा बहुत लेट होता है, तो हम इवनिंग के टाइम निकलेंगे। 45 किलोमीटर का है सारा ये अपना लांगजा इक्किम कोमिक, तो आज इवनिंग में वो करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे मूद विलेज के लिए, और पिन वैली को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये नीचे जा रहा है सिटी की तरफ, और हमारे अमित जी जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उन्होंने कहा है आपने ऊपर आना है, बाईपास है ये, यहाँ से 201 किलोमीटर मनाली लिखा हुआ है, चंद्रसाल से 130-140 पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली अमित जी और गौरव जी ने हमारे लिए रूम देख लिया होगा, तो हम वहीं जा कर रुकेंगे। अरे वो देखिए वो पहाड़ के ऊपर कितना सुंदर तिरंगा बनाया हुआ है यार, हिम्मत है इन लोगों की वहाँ जा कर बनाने की। ये जो दूर से हमें स्नो वाले पहाड़ दिख रहे थे, काजा में आने के बाद बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये देखिए नीचे बस स्टैंड भी है, ऊपर तो शायद आप कुछ लोगों को ना दिख पा रहा हो, जैसे हम रंगोली करते हैं घर में वैसे उस पहाड़ पे इंडियन फ्लैग लगा रखा है, 7 स्तूप, आई लव स्पीति लिखा हुआ है यहाँ पे। वो ऊपर देखिए वो बुद्ध की गोल्डन मूर्ति बनी हुई है, एक तो हमारे फोन जान नहीं छोड़ते। काजा सिटी में प्रॉपर हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ से लंच करके हम लांगजा हिक्किम और कोमिक जाएंगे, तो हम लंच करने की जगह ही ढूंढ रहे हैं। सामने एक रेस्टोरेंट दिख तो रहा है, ये मार्केट है छोटी सी, ज़्यादा चौड़ी गलियाँ नहीं है, वो तो पानी का इशू तो है, ये देखो पानी का टैंकर। लंच करके लांगजा के लिए निकल रहे हैं, सभी भाई रेडी हैं। ये रही काजा की मार्केट, बाकी फल फ्रूट तो सब मिल ही रहे हैं यहाँ। देखिए काजा से निकल गया हूँ मैं, और लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बाद ही ये राइट साइड को कट आता है लांगजा के लिए। ये देखिए ये कट है, डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने इसका उद्घाटन किया था। ये हम लांगजा की ओर जाते हैं, और ये देखिए सुंदर नज़ारा, राइट साइड में स्पीति रिवर और ऊपर बड़े बड़े पहाड़, और अब हम ये हाइट पे चढ़ना शुरू कर दिया है। लांगजा हिक्किम और कोमिक जाके आएंगे हम। देखा बाइक भी जोर लेने लगी, हाइट बहुत ज़्यादा है। नेशनल हाईवे 505 को छोड़ दिया है जो मनाली जा रहा था लोसार चंद्रताल होते हुए,
लांग का लगभग 2.8 किलोमीटर रह गया है। ना सुंदर गांव है और वो ऊपर बुद्ध की मूर्ति जो वैली की तरफ देख रही है, यही लांगजा गांव है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी भी 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन इतनी दूर से इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है। और वो देखिए सामने ट्राई पीक, एक और ट्राई पीक, दो पीक थोड़ी कम है, एक तो है पूरी। कोमी के यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये देखिए लांगजा, चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। 30 सेम जैसे क्यू विलेज में हमारी ये रिसीट कटी थी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने काटी है 30 पर पर्सन यहाँ की मेंटेनेंस के लिए। पार्किंग यहीं तक ही कर सकते हैं, आगे ये पैदल चलने का रास्ता है। और वो रहे महात्मा बुद्ध और सामने वैली को देखते हुए। आजा 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 ले बस एक। हेलो तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ। लांगजा आए हैं बुद्ध की 35 फीट ऊंची मूर्ति को देखने। बुद्ध स्टैचू ऑफ लांगजा 35 फीट। यहां से वैली देखिए, और ये नीचे विलेज है लांगजा विलेज। दो तीन होमस्टे भी हैं। ओके गाइस अब चलते हैं कॉमिक और हिक्किम की तरफ। कैप डालनी पड़ी, ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही है। लांगजा से निकल गया हूं मैं, थोड़ा सा रोड खराब है। कॉमिक जाएंगे, हिक्किम और कॉमिक कवर करेंगे और फिर वापस काजा। इस रोड से आए थे गाइस हम, और अब कॉमिक के लिए हम इधर जाएंगे। लांगजा को बाय बाय, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से भी। कोमिक 11 किलोमीटर, रोड अच्छा है, होपफुली हम जल्दी पहुँच जाएंगे। 16 किलोमीटर है, आधे घंटे में पहुँच जाना चाहिए हमें। कोमिक गांव का पहला व्यू। गांव से पहले तो आजकल टावर दिख जाते हैं। आपको लोगों को ये बता दूं, जियो की रेंज हर जगह है यहाँ पे। मेरे पास जियो पोस्टपेड है और मुझे कहीं पे भी इवन नेट की भी प्रॉब्लम नहीं आई। अदरवाइज़ वोडाफोन तो ज़ीरो है और एयरटेल की काजा सिटी में थी। मेजर पॉइंट पे एयरटेल की भी है, बट जियो ने तो पूरा हाईवे ही कवर कर रखा है। ये रही कॉमिक मोनेस्ट्री, वो नीचे जाके विलेज है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ की। सामने नीचे हिलते हुए डस्टबिन के पीछे गांव है, जहां पे टावर लगा हुआ है। और ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला तंगयुत गोनपा, वेरी गुड ट्री है। लोग फोटोग्राफ करवा रहे हैं, किस चीज़ की करवा रहे हैं ये आप लोगों को दिखा देता हूं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, 4587 मीटर एल्टीट्यूड है। इसको क्या कहें, अराउंड 16,000 फीट इसकी हाइट है। पहुंचने वाले भी भैया हिम्मत ही है, हम भी पहुंच गए। ऐसा हाईएस्ट विलेज जो रोड से कनेक्टेड है। ये रोड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, गांव में जा रहा है। हम यहीं रुक गए हैं, ये थोड़ी हाइट पे है। और ये जो एरिया है ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड।
कॉमिक से मैं निकल चुका हूँ। कॉमिक में हमने बोर्ड के पास फोटोग्राफी करी द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, और अब हम जा रहे हैं हिकिम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सुमित भाई यहाँ खड़े थे, ये भी नीचे एक विलेज है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये कादा से रोड आ रहा था और हम इधर से आए हैं, और ये कच्चा रास्ता है जो ये जाता है पोस्ट ऑफिस हिक्किम की ओर। अब हम हिक्किम जाएंगे, ये रोड बना नहीं हुआ है अभी। लांगजा से कॉमिक रोड के बीच में ये कट है हिक्किम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। चलिए दोस्तों चलते हैं, पहुंच गए हम आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है, इसलिए इन्होंने हमें कहा है कि आप यहाँ से पोस्ट कार्ड ले लीजिए। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट कार्ड जो पहले था ना यहीं पे, गर्मी में अब ये बन गया। ये रहा वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं। 172-114 इसका पिन है, 2 बजे क्लोज हो जाता है, हम लेट हैं। नियर एंड डियर के लिए मैंने ढूंढ आ गया, और अब मैं ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे डालने जा रहा हूँ, देखते हैं उनको मिलती है भी है कि नहीं। जो कि क्लोज है तो 2 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन लिख रहा है कल खुलेगा, कल चिट्ठी जाएगी पोस्ट ऑफिस। यार यहाँ बहुत कुछ हाईएस्ट हो रहा है, स्पीति ना हर चीज हाईएस्ट से भरी हुई है। अमित भाई हेलो, नितिन भाई हेलो, सभी वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे खड़े हैं, उम्मीद करते हैं हमारा डाकघर काम करता है और ये चिट्ठी महीने दो महीने में पहुंचा देगा, क्योंकि हमने पूरी टिकट ली है, पूरे पैसे भरे हैं और यहाँ तक आए हैं खुद डालने। हिक्किम विलेज का तो ये जो रोड है ना, चाहे लांगजा से चले जाओ चाहे काजा से चले जाओ, दोनों तरफ हम गए उस साइड से थे, इस साइड से रहे हैं, दोनों तरफ से रोड पूरा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देख तो रही हैं आप। बाकी काजा सामने ये जो स्नो वाला है वो देखिए, उस पर तिरंगा जो बना हुआ है जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, जब स्टेडियम दिखा रहा था वहाँ नीचे है। ये तीनों विलेज बहुत ही हाइट पे थे और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हमारे गियर्स ने हमें बचा लिया। थोड़ी बहुत बस पाँव में लग रही है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी क्योंकि अब हम नीचे उतर आए हैं, और काजा तो हिक्किम कॉमिक से तो काफ़ी नीचे है, खड़ी चढ़ाई थी और खड़ी उतराई भी। अच्छा रोड, साफ रोड आ गया है, और अब हम वो देखो नीचे काजा की ओर निकल पड़े हैं। देखिए स्पीड का कितना फ़र्क पड़ जाता है, ये काजा 6 किलोमीटर और वो रहा काजा नीचे। ये सारी स्पीति रिवर है, देखिए बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन हो रखी है, और हमारा जो काजा है जहाँ हम 2 रात गुजारेंगे वो रहा सामने बिल्कुल नीचे 6 किलोमीटर है, क्योंकि जिग-जैग रोड है, जिग-जैग रोड भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ मैं, वो देखिए जिग-जैग रोड। कल कहाँ जाएंगे? पिन वैली चलेंगे कल, अमित भाई के कान दुखते हुए